नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जहां देश भर में कोरोना महामारी के चलते संकट के बादल गहरा रहे हैं, वहीं विदिशा जिले के कुरबाई में महिला बाल विकास कार्यकर्ताओं के द्वारा मोर्चा संभालने के बाद एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। इस बारे में महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी फिरदौस अख्तर नाइन ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन्हें कपड़ा मुहैया कराया गया है और इस कपड़े से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा डबल लेयर के मास्क का निर्माण कराया जा रहा है और शासन प्रशासन द्वारा यह मास्क आम जनों तक बांटे जा रहे हैं और पहले चरण में करीब 600 मास्कों का निर्माण किया गया। वहीं अब साधनों की पर्याप्त उपलब्धता होने की वजह से अधिक संख्या में मास्क का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं द्वारा एक घरेलू सैनिटाइजर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके सैंपल को अनुविभागीय अधिकारी के पास जांच के लिए भेज दिया गया है और उन्होंने बताया कि शहर में नगर परिषद के कर्मचारी और ग्राम के सचिवों के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से साथ मिलकर के डोर टू डोर घरों का सर्वे कराया जा रहा है और जहां भी सर्दी जुखाम या बुखार से जुड़े हैं मरीज मिलते हैं, तत्काल उनकी जांच कराई जा रही है। वहीं महिला बाल विकास अधिकारी सुपरवाइजर मधु सक्सेना ने बताया कि महामारी के चलते सैनिटाइजर की मांग में बहुत ही बड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन मार्केट में इसकी उपलब्धता नहीं है और इसके कारण से कार्यकर्ताओं के द्वारा एक घरेलू सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, जिसमें एलोवेरा जेल, डिटॉल, गुलाब जल, ग्लिसरीन का मिश्रण तैयार करके सैनिटाइजर बनाया जा रहा है और 50 ml सैनिटाइजर बनाने में 7 से 8 रुपए का खर्चा आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। परियोजना कुरबाई से मैं परियोजना अधिकारी फिरदौस अख्तर राइन। हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लगातार मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, पर्यवेक्षक हैं और इसके साथ ही हम लोगों ने भी कुछ सैनिटाइजर्स भी बनाने के प्रयोग किए हैं, जिनके कुछ सैंपल हमने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उपलब्ध कराए हैं और अभी तकरीबन 650 के आसपास हम मास्क बना चुके हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा चुका है। अभी चूँकि हमारे पास साधन पर्याप्त नहीं थे तो हम लोगों ने अपने शहर की वर्कर से जो अवेलेबल थी उनसे हम लोगों ने ये काम लिए और सारे मास्क डिस्ट्रीब्यूट कराए और इसके साथ ही अभी हमारा जो डोर टू डोर सर्वे चल रहा है उसमें स्वास्थ्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग और नगर पालिका के कर्मचारी और पंचायत के विभाग की तरफ से ये पूरा इसके समन्वय से हमारा जो प्रशासनिक अमला काम कर रहा है। इसमें डोर टू डोर सर्वे में आपसे ये जानकारी ली जा रही है कि आपके घर में कोई पीड़ित है, यदि सर्दी खांसी तेज़ बुखार है उसको और मान लीजिए कि आपने उसको सही जानकारी नहीं दी है, सर्वे में आप उसको पूरी सही जानकारी दीजिए क्योंकि उस एक व्यक्ति में हो सकता है कि पॉजिटिव वो हो ना हो ये आपको नहीं पता, लेकिन मान लीजिए यदि वो व्यक्ति पॉजिटिव है और उसके उसको कोई लक्षण अभी शो नहीं हो रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति से घर के जो 4 अन्य सदस्य से हैं उनको इसके संक्रमण का खतरा हो सकता है, उसमें कोई ओल्ड एज हो सकता है या फिर कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको जिसका इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं हो और वो सर्वाइव ना कर पाए, तो इसलिए इस पूरी सतर्कता और निगरानी के साथ हमारा जो प्रशासनिक अमला है वो काम कर रहा है। हम सारे विभागीय अधिकारी अपने अपने स्तर से अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे कार्य करा रहे हैं और आप सभी से ये सहयोग की अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमारे इस कार्य में पूरा सहयोग करें और प्रशासन को जिस तरीके की वो जानकारी, जिस भी प्रकार की जानकारी मांगी जा रही है आप उसका सहयोग करें बिना किसी तनाव के और बिना किसी आपसी द्वेष के प्रशासन के कार्य में सहयोग करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन इसकी बहुत कमी महसूस हो रही है, मार्केट में मिल नहीं रहा है, दुकानों पर बहुत मुश्किल मिल पा रही है, हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है, तो इसका एक सोचा कि इसको थोड़ा बनाया जाए जो सस्ते रेट में मिल जाए, जो हर आदमी
पानी हर व्यक्ति तक के उपलब्ध हो जाए, तो इसमें बहुत सस्ता सामान लिया है। एलोवेरा जेल, ये एक पत्ती का निकाला मैंने, एक पत्ती का एलोवेरा जेल का इसका जेल बना लिया था मैंने, तो ये मिक्सी में पीस कर रखा है। इसमें एक पत्ती के एलोवेरा जेल में 2 चम्मच टीस्पून डिटॉल डाली मैंने, 1 चम्मच गुलाब जल डाला मैंने, 1 चम्मच ग्लिसरीन डाली मैंने और 8 से 10 बूंद तेल की डाली, बादाम तेल की 8 से 10 बूंद, ताकि नमी बनी रहे। और ये इस तरीके से मात्र 10 मिनट में ये तैयार हो गया है। और 1 cc, इतनी बड़ी 1 cc घर के अगर हम बनाते हैं तो ये 8 से 8 रुपए इसका खर्च आ रहा है जो कि बन सकता है। और ये गांव में एलोवेरा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और ये सारा सामान भी मिल सकता है। ये हम अपनी कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं और आशाओं को बता रहे हैं कि अगर उपलब्धता नहीं है तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है।